Namaskar, good afternoon. How are you? Everyone safe? Broadly? Huh? No, I mean from COVID. मैं आज जो किसानों की समस्या है, जो दिल्ली के चारों ओर हो रहा है, और बजट पे थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूँ. सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है. सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है. टुडे दिल्ली इज सराउंडेड बाय आवर फार्मर्स. दे आर द पीपल हु गिव अस सस्टेनेंस. दे आर द पीपल हु वर्क फॉर अस. व्हाई इज दिल्ली बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फोर्ट्रेस? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible, and the government needs to listen, because kisans are not going away. Main kisanon ko bahut achhi tarah janta hu, ye nahi jayenge, piche nahi hatenge. Ant mein sarkar ko hi hatna padega. फायदा है सबका कि आज हट जाए. तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में, कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी. ये बजट 1% आबादी का बजट है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है. आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा. और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है. तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी. सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी. ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं, 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी. ये रियलिटी है. और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो? कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे.
3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया, चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है, मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है, सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए। थैंक यू सर, आई विल कम वन बाय वन। अच्छा, आई हैव गॉट पार्लियामेंट, सो वी हैव टू हैव स्लाइटली लिमिटेड इंटरेक्शन। नहीं नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की, आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था, जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो, वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो वन फोन कॉल अवे क्या? वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं, वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री, और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। एब्सोल्युटली द रेप्यूटेशन ऑफ इंडिया हैज टेकन अ मैसिव हिट, नॉट ओनली ऑन हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर फार्मर्स, ऑन हाउ वी ट्रीट आवर ओन पीपल, हाउ वी ट्रीट जर्नलिस्ट्स, इट्स टेकन अ मैसिव हिट। आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, यू कैन कॉल इट सॉफ्ट पावर, हैज बीन शैटर्ड बाय द बीजेपी एंड द आरएसएस, द माइंडसेट। तो आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं, मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं, सिंपल सी बात है। आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो, जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। इन माय लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई सेड आई वांट टू अंडरस्टैंड हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग दोज पीपल इन टू द रेड फोर्ट। द होम मिनिस्टर नीड्स टू एक्सप्लेन टू अस वॉट ही वॉज डूइंग एंड वाई दीज पीपल एंटर द रेड फोर्ट। दैट्स द एक्सप्लेनेशन दैट आई वॉन्ट टू हियर। Thank you, sir. Can we go to Mausami from March? Okay. Why don't you ask first? देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन करने की बीजेपी का तरीका है। फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर लाल किले में किसी ने गलत काम किया तो वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है,
होम मिनिस्ट्री का काम है कि उन लोगों को रोकें और उन पे एक्शन लें। होम मिनिस्ट्री को समझाना चाहिए कि वो अंदर घुसे कैसे। बेसिकली इफ यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, एसेंशियली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द गवर्नमेंट इज नाउ अनएबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री, दे आर बेसिकली अनएबल टू हैंडल इट एंड देयर इनकॉम्पिटेंस इज नाउ कमिंग टू द फोर। दे हैव मेस्ड अप द इकोनॉमी, दे हैव मेस्ड अप द हार्मनी, दे हैव मेस्ड अप द डिफेंस एंड दे वॉन्ट टू कीप डिस्ट्रैक्टिंग इंडिया with non-events. I am saying that the country is in a dangerous position. I am seeing that the world is in flux. I am seeing that we have an aggressive China on the border. They have a clear vision of what they want to achieve. We do not have one. We are completely unclear about what we want to achieve. And it is dangerous for the country. When you have a situation on the border like this, you are destroying your economic structure, you are weakening your economic strength. It is dangerous for the country. Like I said in February, COVID is dangerous for the country. I was ridiculed. I am saying it again. The conditions that we are going through are dangerous for the country. The country requires the Prime Minister to take strict, quick action. It requires that the Prime Minister puts money immediately into the hands of our people and starts the economy. It requires that he protects the small and medium businesses who give us jobs. None of that is happening. And it requires, a clear message to China that you cannot do this with us. You cannot be sitting inside our land and expect that nothing's going to happen. This country is lacking leadership. There is no leadership in this country anymore. There's just talk. There is no understanding. There's no strategy. The thing has come apart. Now, of course, what is there is a media that is controlled. And so, reality of what is going on is not coming out. But believe me, that Maya is going to break. Somebody is going to break that Maya. And so, my constant request to the Prime Minister is do your job. Do your job. You've been elected to do your job. Your job is not to sell this country to 1% of the population. That's not your job. Your job is to protect the kisans who are standing outside. That's your job. Go hold their hand, give them a hug, and tell them, what is it that I can do for you? Your job is to make sure that small and medium businesses can compete with China. Talk to them. Ask them, because they have the answer to China. So the Prime Minister has basically given up. He is now on a different plane. He's got a beard, and that we are going somewhere else now. And the country is not being run. And it's my request to the Prime Minister, please gather up your courage and run the country. Thank you. Thank you, sir. Latest update और खबरों के लिए TV1 India को subscribe करें और notification पाने के लिए bell icon को दबाना मत भूलें.